प्रदीप जैन आदित्य जी, श्री मुकेश सिंह चौहान जी, वरिष्ठ नेतागण, हमारे सारे विधायक, सारे पूर्व सांसद, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, AICC के सचिव, मीडिया के भाई बहन, मेरी बहनें और मेरे भाई, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, चाहे अनोखे लाल जैसे पिछले 20 सालों से हमारा झंडा फहराते हुए, चाहे ईश्वर चंद जी, वालिया जी जैसे अनुभवी कार्यकर्ता और नेता, आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, हमारी पार्टी का स्थापना दिवस। इसी दिन कांग्रेस की शुरुआत हुई, किन हालातों में हुई ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने देश पे हमारे नागरिकों पर दमन और अन्याय लादा हुआ था। अपनी ही मातृभूमि, अपने ही भारत में भारतीय लोगों को संघर्ष करना पड़ा। अपने ही अधिकारों के लिए दशकों के लिए ये संघर्ष चला, और इसी संघर्ष को उभारने के लिए, इसी संघर्ष को के नेतृत्व के लिए कांग्रेस पार्टी बनी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने त्याग और बलिदान दिया इस देश के लिए। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए, ईसाई शहीद हुए, बौद्ध और जैन शहीद हुए, हर जाति के लोग शहीद हुए, पुरुष शहीद हुए, महिलाएं शहीद हुई। हमारे देश की धरती में हर धर्म, हर जाति का खून मिला हुआ है, इसे अलग कोई नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ चंपारण के किसानों को एकजुट किया, सरदार पटेल ने बारडोली के किसानों को एकजुट किया, और जवाहरलाल नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर उत्तर प्रदेश के किसानों को एकजुट करके स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति दी। इसी तरह से मजदूरों के भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। हमें इस कांग्रेस पर गर्व होना चाहिए जिसने हमें अपने देश की विभिन्न धाराओं को एकत्रित करके हमें एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम दिया जिसके द्वारा आज हम आजाद भारत में खड़े हो सकते हैं। हमें उन सब शहीदों के बलिदान पर गर्व होना चाहिए जिन्होंने उस स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन दिया। लेकिन सबसे बड़ा गर्व हमें इस बात पर होना चाहिए कि जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया गया, जिसके जरिए हमें आजादी मिली, वह विश्व में ऐसा पहला आंदोलन था, पूरे विश्व में पहला आंदोलन था जो अहिंसा और सत्य पर आधारित था। तब तक जितनी हुकूमतें और जितने साम्राज्य का शिकस्त हुआ था वे हिंसक आंदोलन से हुआ था, उनके जरिए हुआ था। ये पहला था जिसमें अहिंसा के माध्यम से एक साम्राज्य को शिकस्त दिया गया। आज देश की स्थिति यह है कि देश संकट में है। आपने देखा है कि पिछले दिनों में किस तरह की अराजकता फैली है। हर शहर में, देश के कोने कोने में नौजवान विद्यार्थी अपनी आवाज उठा रहे हैं उन कानूनों के खिलाफ जो इस देश के संविधान पर वार कर रहे हैं, जो इस देश के संविधान के खिलाफ है।
देश का नौजवान उठ रहा है, उसकी आवाज उठ रही है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं देना चाहती। सरकार दमन और भय द्वारा उन आवाजों को बंद करना चाहती है। जब जब देश में महान संकट पैदा होता है, जब जब दमन की ताकत से लोगों को दबाया जाता है, जब जब भारत माता की आवाज को रोका जाता है, तब तक कांग्रेस उठती है और संघर्ष की चुनौती स्वीकार करती है। जब जब भय का माहौल फैलाया जाता है, तब तब कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होता है, क्योंकि हम उस विचारधारा से उभरे हैं जो अहिंसा, करुणा और सत्य पर आधारित है। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में भय के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में, उसके कर्मों में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में अहिंसा और करुणा बसाई गई है। हम इसी विचारधारा से उभरे हैं, हम इसी विचारधारा की रक्षा करेंगे और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। आज देश में वही शक्तियां सरकार चला रही हैं जिनसे हमारी ऐतिहासिक टक्कर लगी है। एक दमनकारी विचारधारा है, फूट की विचारधारा है। आज भी हम उसी विचारधारा से लड़ रहे हैं जिससे हम आजादी के समय लड़े, जिन्होंने आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं दिया, आज वही देशभक्ति का नाम लेकर अपने आप को देशभक्त कर कहके देश भर में भय फैलाना चाहते हैं, देश भर में फूट फैलाना चाहते हैं। CAA और NRC जैसे कानून लाते हैं जो संविधान के खिलाफ हैं। जब नौजवान आवाज उठाता है, उसे दबाने की कोशिश होती है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। मैं बिजनौर गई, बिजनौर में 21 साल के लड़के को दूध लेने जा रहा था, प्रदर्शन भी नहीं कर रहा था, दूध लेने जा रहा था, अपने पिता के साथ खड़ा था। पिता ने कहा, बच्चे मत जाओ, वहां से आवाजें आ रही हैं, अभी मत जाओ। कॉफी की मशीन चलाता था, उसी के जरिए अपने परिवार की मदद करता था, परिवार की सहायता करता था। उसने कहा, पिताजी मैं 5 मिनट में आता हूँ, गली से निकल के जाऊंगा। गली में गया, पिताजी को 5 मिनट बाद पता चला कि किसी लड़के की मौत हुई है, गोली लगी है, एक काले जैकेट पहना हुआ लड़का मर गया है। जब पिताजी उसके भागे, गली के अंदर भागे, तो उनको पता चला कि अपना बच्चा है। अस्पताल ले गए तो अस्पताल में कोई नहीं था। पुलिस वालों ने धमकाया, कहा कि FIR दर्ज करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम केस लगाएंगे। उसको अपने गांव में, अपने शहर में जहाँ पे वो रहता है, वहां पे दफनाने नहीं दिया, 40 किलोमीटर दूर दफनाने को मजबूर किया। ये सरकार है आज की, ये प्रशासन है आज का। उस लड़के की तरह तमाम बच्चों को प्रदेश में मारा गया है। जिसको जान से नहीं मारा, उसे जेल में डाला, उसे लाठियों से पीटा। किस लिए पीटा? क्योंकि आवाज उठा रहा था, क्योंकि आपकी नीतियां उसे पसंद नहीं आई, क्योंकि देश के संविधान के पक्ष में वो सड़क पर आ गया। किस तरह की सरकार है ये, किस तरह का प्रशासन है ये, आप सोच सकते हैं कि इसके खिलाफ अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो हम भी कायर साबित होंगे। देश भर में आंदोलन जब चला, देखिए जो डरता है वह
दो चीजें करता है, वो अपने दुश्मन को हिंसा द्वारा पीटने की कोशिश करता है, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है, और दूसरी चीज पीछे हटने लगता है। ये दो चीजें कायर को इसकी पहचान होती है। इस सरकार को देखिए, जनता ने आवाज उठाई, कायरता से उस आवाज को दबाने की कोशिश की, हिंसा से उस आवाज को दबाने की कोशिश की, उसके बाद क्या किया, पीछे हटने लगे। आज कहते हैं एनआरसी की कोई चर्चा ही नहीं, हम तो एनपीआर की बात कर रहे हैं। ये कायर की पहचान है, पहचानिए इस कायरता को, जो देश भर में चर्चा फैला के, जो देश भर में एनआरसी की चर्चा फैला के आज कहते हैं कि चर्चा ही नहीं की। ये देश आपको पहचान रहा है, आपकी कायरता को पहचान रहा है, और आपके झूठों से उब चुका है, उब चुका है ये देश। आपके झूठ नहीं चाहिए, इस देश को सच्चाई चाहिए। इस देश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के नौजवान को सच्चाई चाहिए। उस असलियत को आप देखिए, उस असलियत को देखिए कि किसान भटक रहा है, आवारा पशुओं से तमाम किसान परेशान है। चुनाव से पहले से हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ करिए, कुछ करिए। कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। आज गांव-गांव, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में उतरिए, बड़े बड़े मंचों से भाषण देने के बजाय गांव-गांव में उतरिए, देखिए। किसान रो रहा है, उसका बकाया नहीं दिया, उसका उसके उपज का दाम नहीं दिया, आवारा पशुओं से प्रताड़ित है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। महिलाओं से पूछिए, उन्नाव की उस लड़की के बाप से पूछिए, उसके पिता से पूछिए जो मेरे सामने रोया है, जिसने मुझे बताया कि उसके परिवार पे क्या बीती, प्रशासन ने क्या किया उसे। जब उसकी बेटी ने कहा कि वह मुकदमा दायर करेगी, जब वो गई, रायबरेली जाना पड़ा उसको, क्योंकि वहां पे उसका केस नहीं, एफआईआर फाइल नहीं हो रहा था। रायबरेली हर रोज सुबह उठ के वो बच्ची अकेले ट्रेन में जाती थी, उसके पिता को पीटा गया, उसके खेत जलाए गए, उसकी 9 साल की एक उसके भाई की बेटी है, उसको धमकाया गया कि तुम्हारा नाम स्कूल के रजिस्टर से हम निकाल लेंगे, तुम घर से बाहर मत निकलो। एक 9 साल की बच्ची को धमकाया गया। अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, उस लड़की को इस स्थिति में उन्होंने ऐसा किया, उसको जलाया कि वो पैदल जलते हुए वो पैदल 1 किलोमीटर चली, फिर वहां पे गिर पड़ी। सरकार ने क्या किया, कोई गया वहां उसकी आवाज सुनने, उसके परिवार से मिलने, क्यों नहीं गया? किसकी सरकार है? इस जनता की सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा के जिम्मेदार कौन है इस प्रदेश में? ये सरकार है, प्रशासन है। हर रोज महिलाओं के पर अत्याचार हो रहे हैं, हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, हर रोज नौजवान लड़कियां डर रही हैं, अपने घर से निकलने के लिए डर रही हैं, पाठशाला जाने के लिए डर रही हैं कि उनके साथ कोई अत्याचार न हो और कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। इस प्रदेश के मजदूरों के हालात देखिए, कर्मचारियों के हालात देखिए। हमने सबकी आवाज उठाई चुनाव के दौरान से, 9 महीने गुजर गए हैं, क्या किया है? शिक्षा मित्रों को नौकरी से निकाला, पुलिस मित्रों को आपने लगाया और सब आरएसएस के दाखिल किए, ये क्या बात हुई? आप सोचिए कि इस प्रदेश की सरकार, इस देश में जो सरकार चल रही है, दोनों के खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएं तो हम अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अगर आज यहाँ मौजूद हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष का समय है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो रास्ता हमने पकड़ा है उसमें आप मेरा और जो प्रदेश की नई कार्यकारिणी है
इसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। मैं यहाँ खड़े होकर ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ नौजवान की ऊर्जा महत्वपूर्ण है, वहाँ बुजुर्ग का अनुभव भी महत्वपूर्ण है। मैंने हर नए अध्यक्ष को, हर जिले के नए अध्यक्ष को, कार्यकारिणी के हर सचिव, हर महासचिव को यही कहा, सबसे पहले आप बुजुर्गों के पास जाइए, सबसे पहले आप उनके अनुभव से सीखिए, उसके बाद आप नौजवानों को जोड़िए। हमारा मकसद है कि जिस तरह से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने जनता को एकजुट किया और जनता की आवाज उठाई, उस तरह से हम भी उत्तर प्रदेश की जनता को एकजुट करें, उनकी आवाज उठाएं और हम भी उनके संघर्ष में शामिल हों। जब तक आप सब यहाँ बैठे हैं, जब तक आप जनता से संपर्क नहीं रखेंगे, जब तक आप घर घर में नहीं जाएंगे, जब तक आप दुख दर्द नहीं बांटेंगे, जब तक आप उनकी समस्याओं को समझेंगे नहीं और उनको सुलझाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक ना आप आगे बढ़ पाएंगे, ना पार्टी आगे बढ़ पाएगी। इस बात को ठीक तरह से समझ लीजिए। हमारा एक ही कार्य है, एक ही कर्तव्य है और वो जनता के प्रति है। जहाँ महिला असुरक्षित है, ठीक है, हम सरकार में नहीं हैं, हम प्रशासन नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम मौजूद तो हो सकते हैं, हम उसके लिए खड़े तो हो सकते हैं, हम उसके परिवार की सुनवाई तो कर सकते हैं। जहाँ जिस हद तक हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं, हम करेंगे, यही हमारा मकसद होना चाहिए। जहाँ किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम खड़े हो सकते हैं। जहाँ मजदूरों की समस्या है, हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसकी आवाज उठा सकते हैं। जहाँ विद्यार्थी परेशान है, सड़क पर आ रहा है, हम उसके साथ सड़क पर खड़े होकर उसकी आवाज उठा सकते हैं। और हमेशा ये हम मन में रख के उठाएं कि हम अहिंसा की विचारधारा से उभरे हैं। हिंसात्मक कार्य कुछ नहीं हो करना है, चाहे हम नाराज भी हों, वो नाराजगी अहिंसा के द्वारा, सत्य के द्वारा, लोगों को समझाने के द्वारा आगे आनी चाहिए। यही हमारा कार्य है, यही हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे हमारा प्रयास है कि हम संगठन को मजबूत करें। बहुत लंबा काम है, समय लगता है, हर जिले में जा जाकर, हर गांव में, हर ब्लॉक में जा जाकर कांग्रेस की आवाज़ मजबूत करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ढूंढना, नौजवानों को जोड़ना, ये आपका और हमारा काम है। हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, आपके समर्थन और आपकी सहायता के बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सब दिन रात संघर्ष करें, समर्पित हों। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी विपक्ष की पार्टियां कुछ ज्यादा कह नहीं रही हैं। अब डर रही है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे मैंने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। जो डर गया वो मर गया। हम आवाज उठाते रहेंगे, चाहे हमें अकेला चलना हो और हमें ये तैयारी करनी है कि हम उत्तर प्रदेश के अपने चुनाव में अकेले चलें, इसके लिए हमें बहुत मजबूती चाहिए, इसके लिए हमें अनोखे लाल भी चाहिए, आप भी चाहिए कि आप सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेतागण इस मंच पर बैठे हैं, आप सब संघर्ष करें, संगठन को मजबूत बनाएं और इस पार्टी की आवाज़ को आगे लाएं, ताकि इस देश की जनता की आवाज उठे, ताकि हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वतंत्र सत्ता के सेनानी आए, उस प्रदेश की जो भूली हुई गरिमा है उसको हम लौटाएं, उस प्रदेश को मजबूत बनाएं
जिसने इस देश को इतना दिया है, आज इस हालत में नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश को। ऐसी अराजकता नहीं फैलनी चाहिए इस प्रदेश में। मिसाल होना चाहिए था पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लिए मिसाल होना चाहिए था। विकास का मिसाल होना चाहिए था, उन्नति का मिसाल होना चाहिए था, आपसी प्रेम का मिसाल होना चाहिए था। उसको बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में खड़ी होगी और आप सब हमारे साथ उसको खड़ा करेंगे। आप सबको आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर धन्यवाद कि आप यहाँ आए। जय हिंद।